अब आप गॉसलो जब यूज करोगे तो फाई होगा क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, वन और टू से सेम फ्लक्स आ रहा है, जब आप इक्वेट कर लेंगे तो ई आ गया क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब यहां पर आप अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज करना चाहते हो, जब आप इसे सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में लिखोगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया, तो एरिया हम उस सरफेस का लेंगे जहां चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज स्फेयर पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप एरिया स्फेयर का लोगे, इट्स क्यू बाय फोर पाई आर स्क्वायर। तो यहां से क्यू हो गया सिग्मा फोर पाई आर स्क्वायर। सो दैट इज इक्वेशन नंबर थ्री, दिस इज इक्वेशन नंबर फोर। तो जब आप फोर को सब्स्टिट्यूट करोगे थ्री में, सिर्फ सिग्मा की टर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो फील्ड का एक्सप्रेशन आएगा क्यू इन सिग्मा इंटू, क्यू की जगह आपने सिग्मा रख दिया, याद रखना सिग्मा में स्मॉल आर नहीं आएगा, रेडियस आएगा उस स्फेयर का जहां चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्यू की जगह आपने रखा सिग्मा फोर पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, E आ गया सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये फील्ड का एक्सप्रेशन आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में, विच इज इक्वेशन नंबर फाइव। अब डाउट्स बताओ, फाइव का डाउट था नॉन यूनिफॉर्म के लिए बता दिया, जाहिद का था रिपीट कर दो, रिपीट कर दिया, उस केस में क्या करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म करेंगे, जाहिद सबर करो जरा, यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यों कंसीडर नहीं किया, आ गया मोटा सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गया, और बताओ मुझे कोई डाउट, डाउट नहीं है तो जल्दी से लिखो, फिर इसे रब करते हैं, नेक्स्ट करेंगे। ओके सवालिया, इसमें आर गॉशियन सरफेस का रेडियस है, स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ गॉशियन सरफेस, और कैपिटल आर स्फेयर का रेडियस है जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जल्दी लिखिए फिर इसे रब करते हैं। नगमा जल्दी लिखो और बताओ, तो देखो जब आप आउटसाइड कैलकुलेट कर रहे हो, व्हाट अप प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट्स के साथ नहीं देखते, वेरिएबल के साथ देखते हैं, कैपिटल आर इज अ कॉन्स्टेंट रेडियस ऑफ द स्फेयर, कॉन्स्टेंट के साथ प्रोपोर्शनलिटी नहीं देखते, वेरिएबल के साथ देखते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इट्स अ कॉन्स्टेंट टर्म, रेडियस ऑफ द स्फेयर इज अ कॉन्स्टेंट टर्म, वेरिएशन हमेशा वेरिएबल टर्म्स के साथ देखा जाता है, व्हाट अप, हुआ क्लियर, अब इसी में अगर वो आपसे कहता है कि आपने इनसाइड तो कैलकुलेट कर लिया, आउटसाइड तो कैलकुलेट कर लिया, सरफेस पर कैलकुलेट करो, सो सरफेस पर कैलकुलेट करने के लिए आउटसाइड की जगह केस टू देखिए, अगर वो आपसे कहता है सरफेस पर कैलकुलेट करना है, तो सरफेस के लिए बस आपको इतना करना है कि गॉशियन सरफेस अब स्फेयर की सरफेस से ही पास होगी, तो आप जब गॉशियन सरफेस लोगे, यही पॉइंट दिया है ना, तो यही स्फेयर की सरफेस गॉशियन सरफेस हो जाएगी, तो पूरी डेरिवेशन सेम रहेगी, सिर्फ इतना चेंज आएगा कि आप स्मॉल आर की जगह जस्ट डायरेक्टली कैपिटल आर सब्स्टिट्यूट कर दो, और कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ इतना चेंज आएगा कि स्मॉल आर को कैपिटल आर लिख दीजिए। So, जब आप Q की टर्म्स में लोगे तो इट्स Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये आ गया,
दिस इज इक्वेशन नंबर सिक्स. और जब आप सिग्मा की टर्म्स में लोगे तो देखो मोटअप सही कह रहा है, आर कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा इंटू फोर पाई आर स्क्वायर बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. तो फोर पाई से फोर पाई कैंसिल हुआ, ये भी आर हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ई आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. ये सरफेस के लिए. अब अगर इसी में वो आपसे कहता है इनसाइड ले लो, यहां कहीं पॉइंट ले लो, ये पॉइंट दे दिया इनसाइड उसने, ये पॉइंट दिया है इनसाइड दिस स्फीयर. तो जब आप इनसाइड पॉइंट लोगे तो गॉसियन सरफेस भी आप इनसाइड लेंगे. तो जैसे ही आपने पॉइंट ले लिया इनसाइड, क्यू इनसाइड तो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा. हाँ ये पूछा किसी ने क्वेश्चन. तो आई जब मैं कह रहा हूं ना इट्स आर, दैट मीन्स इट्स इनफाइनिटिसिमल स्मॉल आर दिया. And I'm saying R, that means it's R plus dr exactly. तो inside जब आप लोगे, तो देखो inside तो कोई चार्ज, आपने जैसी Gaussian surface ली, आपने Gaussian surface ली consider, a Gaussian surface of radius small r. Where small r is less than capital R. ये आपने Gaussian surface ली हुई है small r radius की, small r capital R से कम होगा. तो यहां जो Q enclosed होगा, that Q enclosed will be zero. Charge surface पर है, inside कोई charge नहीं है, तो इन Q enclosed zero हो जाएगा. Q enclosed zero होने का मतलब है phi जो कि Q enclosed by epsilon naught होता है zero हो जाएगा. Means electric field inside the sphere zero हो जाएगी. तो इस inside the sphere field exist नहीं करती, surface पर sigma by epsilon naught है, बाहर जाएगा तो one by r square से vary करेगी. अब वो आपसे कहेगा E versus R graph plot कीजिए. So, x एक्सिस पर स्मॉल r लिया हुआ है, y एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ली हुई है E. So, ये जो पॉइंट है r इक्वल टू कैपिटल जीरो, सेंटर हो गया भाई, E इनसाइड जीरो, दैट मींस E सेंटर भी जीरो. ये स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R सरफेस का पॉइंट है और ये आउटसाइड. तो देखो इनसाइड फील्ड जीरो है, इनसाइड फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रही, ई इनसाइड इज जीरो, इनसाइड कोई फील्ड नहीं है, ई इनसाइड जीरो. सरफेस पर आते ही इंक्रीज होती है, सरफेस पर इसकी जो वैल्यू हो गई, इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. इसके बाद जब आप बाहर जाओगे तो ये बाहर ये फील्ड 1 बाय आर स्क्वायर से वेरी करेगी. तो E आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. तो x एक्सिस पर आपने R लिया हुआ है मीटर पर, y एक्सिस पर फील्ड है विच इज न्यूटन पर कूलम. सो इनसाइड द स्फीयर फील्ड इज जीरो, फील्ड जीरो है. सरफेस पर एकदम इंक्रीज होकर मैक्सिमम हो जाती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. जब बाहर लेकर जाओगे तो यही फील्ड 1 बाय आर स्क्वायर से डिक्रीज कर जाएगी. अब बताइए मुझे इसमें किसी को कोई डाउट है, सरफेस इनसाइड और इस ग्राफ में किसी को कोई डाउट, कोई इशू? नो. ओके फिर इतना लिखो, जल्दी से लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं. देखो अलीजा, रेबर केस टू में सरफेस पर लिया है ना, सरफेस का मतलब है यहां आ गया कैपिटल आर रेडियस है, सरफेस का तो पॉइंट भी, तो सरफेस के हर पॉइंट का सेपरेशन भी तो सेंटर से कैपिटल आर होगा, इसीलिए कैपिटल आर लिया स्मॉल आर को. रेबर समझ में आया? ओके ग्राफ अलीजा देखो, इनसाइड फील्ड जीरो है, सेंटर पर जीरो है, सरफेस पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है, आउटसाइड वेरी करती है.
तो ये r इक्वल टू जीरो का मतलब है ये पॉइंट सेंटर पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पर नहीं कट करे, जीरो है ना ये x एक्सिस पर उज्मा, ये तो जीरो है x एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर रहा है, उसके बाद सरफेस पर एकदम इंक्रीज होकर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया, उसके बाद बाहर ये वन बाय आर स्क्वायर से चला गया, आउटसाइड जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वन बाय आर स्क्वायर से चला गया। ये ग्राफ इसे मीट करेगा इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी अनअटेनेबल होता है तो ये जाकर पैरेलल हो जाएगा, मिलेगा नहीं इससे कभी। हाँ इन्फिनिटी पर तो फील्ड जीरो होती है तहरीम, इन्फिनिटी पर फील्ड जीरो हो जाएगी। इतना हो गया तो बताओ भी सॉलिड स्फीयर करते हैं। डन, चलो भाई रब कर रहा हूं मैं इतना। या इसको नेक्स्ट करने से पहले जरा देखो, अगर यहां पर वेरिएबल चार्ज डेंसिटी दे दे तो क्या करोगे? चार्ज डेंसिटी ऑफ अ स्फीयर वेरीज एज सिग्मा दे दिया, मान लो उसने तुम्हें कुछ के, और के तो फिर तुम कंफ्यूज हो जाओ, के से के नहीं लिखकर कुछ और लिख देते हैं, ए एक्स स्क्वायर दे देते हैं, ए इज सम कांस्टेंट एक्स स्क्वायर। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। चार्ज डेंसिटी दी हुई है आउटसाइड द स्फीयर, आपको फील्ड कैलकुलेट करनी है। आपको स्फीयर दिया है और छोटा कर दो इसे, रेडियस ऑफ द स्फीयर इज कैपिटल आर, ये आपने पॉइंट लिया, यहां वो आपसे कहता है फील्ड कैलकुलेट कीजिए। नॉन यूनिफॉर्म के लिए जरा स्टेप्स ढंग से सीखो, गॉशियन सरफेस लो, रेडियस ऑफ द गॉशियन सरफेस स्मॉल आर, शुरू के स्टेप सेम होंगे। कंसिडर अ गॉशियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर की आपने गॉशियन सरफेस ले ली, फ्लक्स थ्रू द गॉशियन सरफेस देखो,
दोबारा लिखना पड़ेगा। सो क्वेश्चन है चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फीयर सिग्मा विच इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड दरक्षा, कई लोगों ने नहीं लिखा होगा, लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, कुछ लोगों का छूट गया था। तो आपको ये स्फीयर दिया है, स्फीयर का कुछ रेडियस है कैपिटल आर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा, बाहर आपने गॉसियन सरफेस ले ली, गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है, गॉसियन सरफेस का रेडियस है स्मॉल आर। सो कंसिडर अ गॉसियन सरफेस, ऑफ रेडियस स्मॉल आर। तो गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स आएगा, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, फाई, दैट इज क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस। तो ये फाई हो जाएगा, दैट्स क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डीएस कॉस जीरो। तो ये फाई हो जाएगा, ई बाहर आ गया, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डीएस, और ये क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएस बताया था 4πr², दैट्स फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद जब आप गॉस लॉ यूज करेंगे, सो गॉस लॉ कहता है ये जो फाई होगा, दैट फाई विल बी क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वेशन नंबर। अब सारा खेल आ जाता है क्यू इनक्लोज्ड के ऊपर। तो यहां देखो, जब तुम क्यू इनक्लोज्ड कैलकुलेट करोगे, क्यू इनक्लोज्ड लिख सकते हो ना सिग्मा इंटू एरिया, चार्ज किस पर चाहिए, पूरे स्फीयर पे चाहिए, तो ये होगा सिग्मा इंटू 4πr². अब सिर्फ इशू ये है कि सिग्मा को क्या लिखेंगे, सिग्मा क्या है ए एक्स स्क्वायर, मुझे कोई बताएगा स्फीयर की सरफेस के हर पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू कितनी होगी, स्फीयर की सरफेस का हर पॉइंट, यही तो चाहिए चार्ज। हाँ, तो स्फीयर की सरफेस के हर पॉइंट के लिए सिग्मा कितना हो जाएगा आर के इक्वल, एक्स आर के इक्वल होगा, तो सिग्मा आ गया ए आर स्क्वायर, रख दो जरा यहां। सो क्यू इनक्लोज्ड आ गया ए आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4πr², क्यू इनक्लोज्ड है 4πa r⁴, दैट्स 3। 3 को आप 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जब आप 3 को 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइ आ जाएगा 4πa r⁴। दोबारा सुन लो, चार्ज इनक्लोज होता है ना सिग्मा इंटू एरिया, स्फेयर पे चार्ज चाहिए तो स्फेयर का एरिया 4πr². अब सिग्मा तो एक्स पर डिपेंड कर रहा है, तो आपको देखना होगा कि स्फेयर की सरफेस के हर पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू क्या है, स्फेयर की सरफेस पे जितने भी पॉइंट है सबके लिए एक्स आ रहे, तो एक्स की जगह आर रख दिया, इक्वेट कर दीजिए 4πa r⁴ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसे कह दीजिए इक्वेशन नंबर फोर्थ। फोर्थ और फर्स्ट से सेम फ्लक्स आ रहा है, इक्वेट कर दो 1 और 4 को, इक्वेट 1 एंड 4। जब आप इक्वेट करेंगे यू विल गेट e इनटू 4πr² इज 4πa r⁴ बाय एप्सिलॉन नॉट, 4π will cancel this 4π, e आ जाएगा
It's a r to the power 4 divided by epsilon naught r square. चार्ज वेरी कर रहा है तो ई फील्ड वेरी नहीं करेगा. देखो फाइनल रिजल्ट देख लो, फील्ड सेपरेशन पर डिपेंड करता है राशिद. पूरी गॉसियन सरफेस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से सेपरेशन सेम है, तो गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट के लिए फील्ड सेम होगी. अरे खदीजा नॉन यूनिफॉर्म ही तो है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मींस अलग अलग पॉइंट्स पे जहां सिग्मा की वैल्यू चेंज हो. क्या कह रहे हो जुनैद? इतना लिखिए और कोई डाउट बताओ मुझे इसमें. तो राशिद जो तुम पूछ रहे थे ना कि अगर ये वेरी करेगा तो फील्ड वेरी नहीं करेगी, पॉइंट टू पॉइंट फील्ड सेम रहेगी, फील्ड सेपरेशन पर डिपेंड करेगी. इतना लिखो. अलमास हॉलो का मतलब तो यही है ना, अंदर कुछ नहीं है, सरफेस पर तो चार्ज है. हाँ ए कॉन्स्टेंट है मोटर. हाँ अलमास हॉलो का क्या मतलब होता है? जिसके अंदर कुछ ना हो तो यहां तो कुछ भी नहीं है. हॉलो में सरफेस तो एग्जिस्ट करती है, जैसे फुटबॉल है अंदर से हॉलो है, सरफेस तो एग्जिस्ट करेगी. तो यहां तो सारे पॉइंट्स हमने सरफेस पर ही लिए. अलमास हुआ क्लियर? अगर ये हॉलो है ना तो अंदर ही तो कुछ नहीं होगा ना, सरफेस पर तो सब एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ सरफेस पर एग्जिस्ट कर रहा है. अर्शद का था x इक्वल टू आर, कैसे समझ में नहीं आया? अच्छा तो अर्शद देखो जरा, आप जो चार्ज निकाल रहे हो वो चार्ज कहाँ निकाल रहे हो? स्फेयर की सरफेस के हर पॉइंट पर. स्फेयर की सरफेस का हर पॉइंट सेंटर से कितने सेपरेशन पर होगा? कैपिटल आर सेपरेशन पर ही तो होगा, आर सेपरेशन है. तो स्फेयर के आपने जितने भी पॉइंट्स लिए हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स सेंटर से कितने सेपरेशन पर है सरफेस के? कैपिटल आर. ऐसे मान लो ना एक फुटबॉल है, फुटबॉल का सेंटर है और फुटबॉल की सर्फेस पर मैंने कई पॉइंट दिए हुए. फुटबॉल की सर्फेस के जितने भी पॉइंट होंगे वो फुटबॉल के सेंटर से कैपिटल आर डिस्टेंस पर होंगे, तो आप वहां लिख सकते हो एक्स कैपिटल आर की इक्वल होगा. तो x की जगह कैपिटल R लिख दिया तो सिग्मा विल बी इक्वल टू ए आर स्क्वायर. अगर a कांस्टेंट नहीं हुआ तो क्या होगा? जैद अगर a कांस्टेंट नहीं होता तो फिर सिग्मा की टर्म्स x की टर्म्स में होता, वहां भी x रख देते. अगर a कांस्टेंट नहीं हुआ तो a कांस्टेंट नहीं हुआ तो x की टर्म्स में होगा, है ना? और x की जगह आप R लिख ही रहे हो तो जैसे एक्स और एक्स और बढ़ जाएगा. हाँ सर वैल्यूज फॉर्मूले पुट कर सकते हैं? नहीं रख सकते. क्यू इन क्लोज की वैल्यू रख सकते हैं लेकिन बेटर है कि इसको डिराइव करके लाओ पूरा. चलो भाई इतना लिखो फिर सॉलिड देखते हैं. अनस, अमानत, अरीज, फरान, नाज, सबिया, योगेश, हुआ सबका? कैपिटल आर रेडियस है ना स्फेयर का, एक सेकेंड. तबस्सुम समझ में नहीं आया क्या पूछ रही हो? कैपिटल आर में चार्ज डेंसिटी सेम गिवन हो तो सेम होगी, यहां तो अलग अलग दी हुई है. यहां दिया हुआ है कि चार्ज डेंसिटी एक्स के साथ वेरी कर रही है. हाँ स्फेयर की सरफेस के हर पॉइंट के लिए एक्स कांस्टेंट है तो चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट. यस रेबर, स्फेयर की सरफेस के हर पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू कांस्टेंट है, इन दैट केस चार्ज डेंसिटी इज कांस्टेंट. तब बस तुम यहां जितने भी पॉइंट्स लिए ना जिन्हें तुम सॉल्व कर रहे हो वो सारे के सारे पॉइंट्स स्फेयर की सरफेस पे लाई कर रहे हैं.
ये सेंटर ऑफ द स्फेयर है, तबस्सुम जरा ये बताओ ये वाला जो पॉइंट है इसका सेंटर से सेपरेशन कितना होगा? तबस्सुम कैपिटल आर, तो सरफेस के जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका सेपरेशन सेंटर से कैपिटल आर होगा, और एक्स सेंटर से सरफेस तक का, एक्स पॉइंट का डिस्टेंस है सेंटर से, आप जितने भी पॉइंट्स पर सॉल्व करोगे वो सारे के सारे पॉइंट्स कहाँ लाई करें? सरफेस के लिए। इन सारे पॉइंट्स के लिए एक्स कितना होगा? कैपिटल आर ही तो होगा, आप स्फेयर पर सॉल्व कर रहे हो ना, स्फेयर की सर्फेस का हर पॉइंट सेंटर से कैपिटल आर डिस्टेंस पर है। तबस्सुम अब हुआ क्लियर? अभी नहीं हुआ भाई, मैं सर अब कर रहा हूँ, सॉलिड देखते हैं, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड में भी ऐसे ही चलेंगे, पहले यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फिर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। जो अब ये सब क्वेश्चंस ही हैं गॉस लॉ के, और गॉस लॉ पे तो शुरू में बहुत क्वेश्चंस करें, आखिरी टाइप के क्वेश्चंस ये हैं जिसमें स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देगी। आज आखिरी क्लास है रैबर, आज आखिरी क्लास है इसके। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नहीं इसका पार्ट नहीं, तो देखिए अगर आपको एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर दिया है तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के लिए आप फील्ड कैसे कैलकुलेट करोगे? सॉलिड स्फेयर दिया है, रेडियस ऑफ द स्फेयर इज कैपिटल आर, चार्ज हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनसाइड भी सरफेस भी हर जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको स्फेयर के बाहर एक पॉइंट दिया है पी, इस पॉइंट पी पर फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो आपने बाहर के लिए फिर से गॉसियन सरफेस ले ली, गॉसियन सरफेस का रेडियस है स्मॉल आर। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट सेम होगा, बस फर्क ये कि यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं होगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी। फर्स्ट और सेकंड पार्ट वैसे ही रहेगा जैसे स्फेयर में था, केस वन आउटसाइड द स्फेयर। तो फर्क समझना, चार्ज अब जो डिस्ट्रीब्यूटेड है क्यू चार्ज थ्रू आउट द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q is distributed throughout the volume. Throughout the volume, this is solid sphere. आपने चार्ज Q distribute किया है. Outside the sphere, वो आपसे कहता है field calculate करो. तो outside the sphere के लिए वही steps हैं, phi calculate करो. चलो steps लिख देते हैं. जो स्टेप्स मैंने हॉलो में लिखवाए थे वही होंगे, बस रो सिग्मा की जगह रो आ जाना है। गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लो, कंसीडर अ गॉसियन सरफेस गॉसियन सरफेस ले लिया आपने, जिस गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है दैट रेडियस इज स्मॉल आर, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स आएगा दैट्स क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। अब मैं इसको बार बार नहीं सॉल्व कर रहा पूरा, ये आता है ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर फर्स्ट इक्वेशन। फिर गॉस लॉ यूज करते हैं,
फ्लक्स होता है क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. क्यू इनक्लोज क्या होगा, ये गॉसियन सरफेस है, पूरा स्फेयर आ रहा है. सो क्यू इनक्लोज्ड इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट्स इक्वेशन नंबर टू. वन और टू से सेम फ्लक्स आ रहा है, तो इक्वेट कर दो वन और टू को. तो जब आप वन और टू को इक्वेट करेंगे, यू विल गेट ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. तो ई आ गया क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. तो चार्ज की टर्म्स में एक्सप्रेशन वही आ रहा है जो एक्सप्रेशन पहले आया था. अब आपका सिर्फ काम इतना है कि इसी तरह से इसे रो की टर्म्स में कन्वर्ट कर दो. तो यहां सिग्मा नहीं यूज करेंगे, चार्ज सरफेस पर नहीं है, वॉल्यूम पर है. सो यहां आप यूज करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. सो चार्ज इज क्यू, वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब. तो यहां से क्यू आ गया विच इज रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, दैट्स इक्वेशन नंबर 4. फोर को थ्री में सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये ई आ गया, इट्स रो इनटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. 4 पाई विल कैंसिल दिस 4 पाई. ई आ गया रो पाई आर क्यूब बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. सो दिस इज आउटसाइड. आउटसाइड अब भी देखो कैसे वेरी कर रहा है 1/r² से, बाकी सब तो कांस्टेंट है. केस टू में अगर वो आपसे कहता है सरफेस पर कैलकुलेट करो, सिर्फ इतना चेंज आएगा कि स्मॉल r की जगह कैपिटल r रख दो. तो जब यहां कैपिटल r रखोगे तो चार्ज की टर्म्स में एक्सप्रेशन हो जाएगा q बाय 4πε0r² और यहां जब स्मॉल r की जगह कैपिटल r रखोगे अच्छा हाँ पाई कैंसिल हो गया. यस 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 यस. यहां जब रखोगे तो आर क्यूब से आर स्क्वायर कैंसिल होगा, रो आर बाय थ्री एप्सिलॉन. हाँ भाई यहां तक बताइए मुझे क्या डाउट है, फिर इनसाइड कैलकुलेट करेंगे. इनसाइड थोड़ा सा चेंज आएगा कैलकुलेशंस में. अगर किसी ने ग्रेविटेशन की क्लास करी थी जो मैंने रिवीजन में कराया था, तो ग्रेविटेशन में मैंने कहा था कि एग्जैक्टली सेम चीजें आती हैं. ये सेम कहानी आप ग्रेविटेशन में मास के लिए कर चुके हैं. नहीं अरे चार्ज पूरे पर डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द वॉल्यूम, सरफेस पर भी होगा. जैसे अगर मैं कह रहा हूं ये ऑब्जेक्ट है, इसके पूरे वॉल्यूम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनसाइड भी है, सरफेस पर भी है, हर जगह पूरे वॉल्यूम पर. तो स्फेयर का कोई सा भी पोर्शन उठा लो वहां कुछ चार्ज मिलेगा, उसे कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. जब आप वॉल्यूम लेते हैं तो सरफेस तो काउंट हो ही जाता है. अरे हुआ क्लियर है, इतना लिखो फिर हम इनसाइड कैलकुलेट करते हैं इनसाइड कैसे आएगा. सॉलिड फाइव का सर सॉलिड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम को डिपेंड होता है.
अरे फायर का अगर मैं कह रहा हूँ चार्ज किसी वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तुम कुछ भी उठा लो, एक पेन उठा लो, मैं कह रहा हूँ चार्ज वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पेन का एक टुकड़ा तोड़ो, वॉल्यूम है ना, एक पोर्शन तोड़ लो, क्या उसमें सरफेस इंक्लूड नहीं होगी? फायर का मैं कह रहा हूँ उस पेन के वॉल्यूम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर मैं एक पोर्शन तोड़ लूं तो जो मैं पोर्शन कट करके निकाल लूंगा, क्या उसमें सरफेस इंक्लूड होगा या नहीं होगा? भाई जब आप कह रहे हो ना वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड, तो वॉल्यूम में तो सरफेस काउंट हो ही जाता है, वॉल्यूम का मतलब सिर्फ अंदर नहीं होता, ये भी तो वॉल्यूम है भाई। ये काट दिया, ये यहां से काट दिया, ये भी तो वॉल्यूम है। केस टू एक बार रिपीट कर दें जोया, मैं कह रहा हूं सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस का मतलब है ये सरफेस का पॉइंट है, सरफेस के लिए स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल होगा, स्मॉल आर अगर कैपिटल आर के इक्वल है तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दो, उठाकर यहाँ स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दीजिए, तो क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर हो गया। फिर क्योंकि सरफेस के लिए तो स्मॉल आर कैपिटल आर हो जाएगा ना, यहां अगर मैं पॉइंट ले रहा हूं, यहां स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दो, कैपिटल आर रखोगे तो आर कैपिटल आर स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। अब भी जो हुआ इतना, अब यहां जो इश्यू आएगा वो इश्यू आएगा इनसाइड में। हाँ वजह तुम्हारा सही आ रहा है, जो थोड़ा बहुत इश्यू आएगा वो आएगा जब इनसाइड तो इनसाइड जरा सा डिटेल में लिखना पड़ेगा, यहां बहुत कुछ आ जाएगा। हाँ, अब वो कह रहा है यहां कहीं कैलकुलेट करो, इनसाइड कहीं पॉइंट दे दिया, अगर उसने इनसाइड पॉइंट दे दिया तो गॉशियन सरफेस आपको इनसाइड लेनी पड़ेगी, ये आपने गॉशियन सरफेस कंसीडर कर ली, गॉशियन सरफेस का जो रेडियस है दैट रेडियस इज स्मॉल आर, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ गॉशियन सरफेस। हाँ पॉइंट पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, यस। So, अगर आप इनसाइड पॉइंट ले रहे हो केस थ्री इनसाइड द स्फीयर, तो जैसे ही आप इनसाइड लोगे ना पॉइंट, तो आपको गॉशियन सरफेस लेनी होगी, कंसिडर अ गॉशियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर। पहला स्टेप तो यही होगा, फ्लक्स कैलकुलेट कर दो, जो ट्रिवियल स्टेप्स हैं, फ्लक्स थ्रू गॉशियन सरफेस, तो गॉशियन सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा दैट्स क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस, तो ये आ जाएगा E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, दैट्स फर्स्ट इक्वेशन, दैट्स द फ्लक्स थ्रू द गॉशियन सरफेस। फ्लक्स थ्रू गॉशियन सरफेस के बाद सेम फ्लक्स चाहिए यूजिंग गॉस लॉ, यहां तक तो हर डेरिवेशन में सेम था, फ्लक्स थ्रू गॉस लॉ। देखो जब तुम गॉस लॉ यूज करोगे ना, फाई हो जाएगा क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट टू। हाँ भाई अब बताओ आरिफ, बताओ आरिफ, क्यू इनक्लोज क्या अभी क्यू के इक्वल होगा? पूरे स्फेयर पे चार्ज क्यू है, आरिफ क्यू इनक्लोज क्या क्यू के इक्वल होगा या क्यू से कम होगा? नहीं, जोहेब के अकॉर्डिंग नहीं होगा, आरिफ है क्लास में, नहीं होगा, क्यू इनक्लोज क्यू से कम होगा, क्यू इनक्लोज, हाँ क्यू इनक्लोज इज चार्ज ऑन वॉल्यूम 4 बाय 3 पाई आर क्यू।
ये होगा ना क्यू इनक्लोज कितने पर, इतने पर ही तो चार्ज है ना, ये वाले पोर्शन पर चार्ज, क्यू इनक्लोज इतने पोर्शन का चार्ज है, इतने पोर्शन का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 πr³। यहां तक बताओ, ये समझ में आया? ये स्टेटमेंट आया सबके समझ में? फिर आगे की कहानी बहुत आसान है, सिर्फ ये स्टेटमेंट परेशान कर सकता है। जोया, फाइफा, अमानत, ये स्टेटमेंट आ जाए ना एक बार समझ में, 4/3 πr³। अरीज देखो, क्यू इनक्लोज्ड है क्या? गॉशियन सरफेस के अंदर चार्ज, आपने जो गॉशियन सरफेस ली हुई है उस गॉशियन सरफेस का रेडियस कितना है, स्मॉल आर। तो क्यू इनक्लोज इतना स्मॉल आर जो वॉल्यूम है ये वाला, इसके अंदर चार्ज होगा। स्मॉल आर के कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 πr³। तो क्यू इनक्लोज इन चार्ज ऑन वॉल्यूम 4/3 πr³। ये आया समझ में अरीज? अब हुआ? यहां हाँ, कुछ शेल थ्योरम जैसा था, शेल थ्योरम जैसा था। अब ये जो Q इनक्लोज है, हाँ ये शेल थ्योरम जैसा है। Q इनक्लोज को तुम लिख सकते हो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो इसे लिख सकते हैं रो मल्टीप्लाइड बाय 4/3 πr³। बस ये याद रखना, जब वेरिएबल चार्ज डेंसिटी देगा ना तो इस स्टेप में चेंज आएगा, यहाँ इंटीग्रल्स इन्वॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। अभी तो सिंपल है, परेशान नहीं होना, 4/3 πr³। इसे थर्ड क्या देते हैं, ये स्टेप बताओ, इस थर्ड स्टेप में किसी को प्रॉब्लम? रेबर, मोहित, मटब, योगेश, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? बहुत बढ़िया। थ्री को टू में रख दो, तो जब थ्री को टू में रखोगे तो फाइव हो जाएगा, इट्स रो इनटू 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट्स इक्वेशन नंबर 4। वन ऑफ फोर्थ से सेम फ्लक्स आ रहा है, इक्वेट वन ऑफ फोर। जब आप वन ऑफ फोर को इक्वेट करेंगे, यू विल गेट ई इंटू 4πr² इज रो इंटू 4/3 πr³ एप्सिलॉन नॉट। तो 4π से 4π कैंसिल हुआ, स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल हुआ, e आ गया रो r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। सो ऐसे इनसाइड जो है, e इनसाइड फील्ड वेरी कर रही है r से। अब वो कई बार ये भी कहता है आपसे कि इसे कैपिटल Q की टर्म्स में लिख दो, तो कैपिटल क्यू की टर्म्स में लिखने के लिए रो को लिख सकते हैं टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल चार्ज इज क्यू, टोटल वॉल्यूम इज 4/3 πr³ कैपिटल आर क्यूब। इसे उठाकर यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो तुम्हारा ई आ जाएगा आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय 4/3 πr³। 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये चार्ज की टर्म्स में एक्सप्रेशन आ गया। अब बताइए मुझे, यहां तक किसी को कोई डाउट है? जैद, आकिब, मोहित, सबिया, साहिल, सिमरा, उस्मान, लास्ट स्टेप, अमान, देखो ये था ना, ये आया था रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। अगर वो कहता है टोटल चार्ज की टर्म्स में बताओ, पूरे स्फेयर पे चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू, पूरे स्फेयर का रेडियस कितना है, कैपिटल आर, तो तुम लिख सकते हो पूरे स्फीयर के लिए चार्ज डेंसिटी होगी टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम, सो इट्स क्यू बाय 4/3 πr³। टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम, इट्स क्यू बाय 4/3 πr³। तो इट्स रो की जगह आपने क्यू बाय 4/3 πr³ रख दिया, तो
जब क्यू की रो की जगह क्यू बाय 4/3 πr³ किया, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये बच गया क्यू आर बाय 4π₀r³। अमान अब हुआ कुछ क्लियर? जस्ट मैंने रो की जगह क्यूब बाय 4/3 πr³ रखा। अच्छा अब इसके बाद वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप ग्राफ प्लॉट करके दिखाएं। चलो भाई रब कर रहा हूं इसे। अब जब आप एक्सप्रेशन लोगे ना, अच्छा यही जो हमने किया था इसी में अगर वो आपसे कहते सेंटर पे निकालो, इनसाइड आया था रो आर बाय 3 εr, ये इनसाइड था सर। क्यू की टर्म्स में पहले लाके बाद में रो में ला सकते थे। जोएब क्यू की टर्म्स में आता नहीं बाबू, क्योंकि वहां जो क्यू इनक्लोज है ना वो टोटल चार्ज के इक्वल नहीं है, लेंदी हो जाता, आ जाता। तुम पहले रो की टर्म्स में लिखते हैं फिर रो को क्यू लिखते हैं, वो लेंदी होता। पहले तो तुम्हें रो की टर्म्स में लाना ही पड़ता क्यू इनक्लोज को, फिर रो को लिखते हो तुम क्यू बाय 4/3 πr³। तो जो स्टेप्स में बाद में कर रहा हूं तुमने शुरू में कर लिए होते। तो अगर वो कहता है सेंटर पे ले आओ, सेंटर के लिए आर जीरो जाएगा। जब आर जीरो कर दोगे तो ई इनसाइड विल बी जीरो। तो जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे ई वर्सेस आर ग्राफ, दिस इज आर इन मीटर्स, दिस इज फील्ड ई इन न्यूटन पर कूलम। तो देखो जरा सा, ये r इक्वल टू जीरो तो सेंटर आ गया, r इक्वल टू कैपिटल R ये तो सेंटर है, कैपिटल R सरफेस आ गया, r इज लेस देन कैपिटल R इनसाइड आ गया, तो देखो यहां जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे ई इनसाइड ना आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब है ई इनसाइड जो ग्राफ होगा दैट ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन। तो इनसाइड ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो गया। सरफेस पर जैसे ही आप पहुंच गए E सर्फेस, सर्फेस पे लिखा था रो कैपिटल R बाय 3 εr₀, उसके बाद बाहर जैसी जाएंगे 1/r² से वेरी कर रहा था, तो बाहर ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा E आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² ये ग्राफ। भाई बताओ मुझे इसमें कोई डाउट किसी को? इनसाइड स्ट्रेट होगा, आउटसाइड 1/r² के साथ वेरी करेगा। नो डाउट। चलो भाई इतना लिखो फिर एक बार देखते हैं अगर चार्ज डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है तो क्या चेंजेस आएंगे। शान आजकल बिल्कुल नहीं ले पा रहा मैं डाउट क्लास, आजकल नहीं ले पा रहा, अलग से नहीं ले पा रहा, बस ये वीक और है उसके बाद कोई परेशानी नहीं, फिर शुरू कर देंगे। चलो जी ये रब हो गया। अब अगर उसने चार्ज डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म दी है
नहीं नहीं होगी होगी होगी, कल होगी भाई, क्लास होगी। देखना पड़ेगा खदीजा, पहले क्वेश्चन सुनो, टाइम बहुत कम है, मेरे साथ सर आ जाएंगे इतनी देर में। सुनो सुनो, तुम्हें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है, हाँ, नहीं इस बैच की नहीं होगी, कल टीटीएस वाली बैच की क्लास होगी, इस बैच की तो अब वेडनेसडे होगी ना। रो इज रो नॉट एक्स स्क्वायर, ये दी हुई है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट पार्ट। इनसाइड द स्फीयर मीन्स किसी पॉइंट पर आर विच इज लेस देन कैपिटल आर, सरफेस पर आर इक्वल टू कैपिटल आर। अब एक पार्ट मैं सॉल्व करूंगा, बाकी पार्ट आप करेंगे, ये आपके स्कूल एग्जाम्स में नहीं आने वाला, नीट और जेई मेंस के लिए बहुत कॉमन सी चीज है, स्कूल एग्जाम्स में नहीं आएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ चीजें सीखो जरा नहीं। देखो शुरू के स्टेप्स ट्रिवियल हैं, सब सब जगह वो शुरू के स्टेप्स सेम रहते हैं, कहीं कोई फर्क नहीं आता। ऐसे तुम स्फेयर लोगे, स्फेयर का कुछ रेडियस मान लिया कैपिटल आर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो, इसे लिख लेना, ये ना सीबीएसई में नहीं आएगा, स्कूल एग्जाम्स में नहीं आएगा, सीबीएसई और जो भी स्टेट बोर्ड्स हैं इसमें नहीं आता है। तो पहला कह रहा है इनसाइड, तो इनसाइड यहां ले लेते हैं पॉइंट, इससे पास होती हुई आपने एक गॉशियन सरफेस ले ली, रेडियस ऑफ द गॉशियन सरफेस इज स्मॉल आर। So, पहले आप फ्लक्स कैलकुलेट करो थ्रू गॉशियन सरफेस, तो गॉशियन सरफेस से जो फ्लक्स आएगा दैट फ्लक्स इज क्यूब एप्सिलॉन नॉट नॉट सॉरी सॉरी फील्ड की टर्म्स में निकाल देते हैं, फ्लक्स इज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस। तो ये तो अब तक रट जाता है, 4πr² फर्स्ट इक्वेशन। फिर फ्लक्स चाहिए गॉस लॉ के थ्रू, तो जब आप गॉस लॉ यूज करेंगे तो ये फ्लक्स आ जाएगा फ्लक्स इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स आ गया क्यू एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वेशन नंबर टू। तो आपका काम सिर्फ इतना है कि किसी तरह से ये क्यू कैलकुलेट कर लो। तो व्हाट इज क्यू, क्यू इज चार्ज इन वॉल्यूम 4/3πr³ और इन स्फेयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर। तो देखो यार यहां पिछले की तरह ना मैं ऐसे नहीं कर सकता, क्यू को रो इनटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं, ये मल्टीप्लाई तब करते हैं जब आपकी चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म हो, चार्ज डेंसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म, तो ऐसे नहीं कर सकते। कुछ कोई बताएगा मुझे जरा से, कोई हिंट देगा कैसे जा सकते हैं इस तरह के केसेस में, कैसे कैलकुलेट करूं टोटल चार्ज, मल्टीप्लीकेशन तो अलाउड नहीं है, वेरिएबल है। हाँ तो आप एक काम कर सकते हो, एक स्मॉल चार्ज ले लो, स्मॉल एलिमेंट, इट्स विल बी रो इनटू डीवी, टोटल चार्ज क्यू के लिए इसको इंटीग्रेट कर दो रो डीवी को जीरो से लेकर, और कहां तक कह रहा है स्फेयर का रेडियस कितना है, स्मॉल आर तक। अगर सरफेस के लिए सेकेंड पार्ट जो आपको करना होगा, क्योंकि अब मुझे छोड़ना होगा थोड़ी देर में, तो आप जब घर पर करोगे तो इसे सरफेस के लिए कैपिटल आर कर देंगे,
आउटसाइड के लिए भी लिमिट कैपिटल आर तक होगी, क्योंकि कैपिटल आर के बाद कोई चार्ज नहीं है। अब आपको सिर्फ एक चीज सीखनी है, डीवी क्या होता है। डीवी जो वॉल्यूम होता है ना, यहां डीवी इज वॉल्यूम ऑफ एलिमेंटल स्फीयर। ये बस सीखने वाली चीज है, ये जो अब मैं लिख रहा हूं ये परेशान करेगा। ऑफ रेडियस, अब यहां अगर x दिया है तो रेडियस x ले लो एंड थिकनेस dx। तो देखिए एलिमेंटल स्फीयर का मतलब क्या है, तो ये स्फेयर दिया है आपको, आपने क्या किया, इसके अंदर आपने एक एलिमेंटल, सॉरी ये है आपका स्फेयर, जिसका रेडियस आपको कैपिटल आर दिया हुआ है। इसके अंदर आपने एक एलिमेंटल स्फेयर लिया हुआ है, मींस एक हॉलो स्फेयर लिया है, ये आपने एक हॉलो स्फीयर लिया हुआ है इसके अंदर, जिसका रेडियस एक्स है। जिस हॉलो स्फीयर की थिकनेस इज डीएक्स, तो आपने एक हॉलो स्फीयर कंसीडर कर लिया जिसका रेडियस एक्स है और थिकनेस इज डीएक्स, ये लिया हुआ है मैंने, जिसे मैं कह रहा हूं ना डीवी, वो बेसिकली ये वाला वॉल्यूम है। हॉलो स्फीयर है, रेडियस एक्स है, थिकनेस डीएक्स है, तो यही जो हॉलो स्फीयर है ना, ये बढ़ते 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 पूरा स्फीयर बना लेगा। इस हॉलो स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऐसे लिखते हैं, इसका एरिया निकाल दो, इनर एरिया 4πx² मल्टीप्लाइड बाय dx। देखो प्रॉब्लम ये आएगी, यहाँ डीवी लिखा है ना, वॉल्यूम इज अ 3-dimensional इंटीग्रल, आपको नहीं सिखाया जाता, तो हम किसी तरह से 3-dimensional को 1-dimensional में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो वॉल्यूम 3-dimensional था, लेकिन यहां पर सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल आ रहा है एक्स। यहां तक बताइए मुझे, ये बात समझ में आई आपके, क्योंकि इसके बाद सिंपल इंटीग्रेशन है जो सब जानते हैं। इलेवेंथ में पढ़ाया था, देखिए दोबारा देखिए जिनको नहीं समझ में आया। भाई यहां तक तो किसी को परेशानी नहीं, परेशानी है डीवी के साथ कि वॉल्यूम लेंगे क्या। नहीं जोएब, रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, डिस्क के में। तो यहां जो हम वॉल्यूम लेंगे ना डीवी, वो वॉल्यूम लेंगे आपको जो पूरा स्फेयर दिया हुआ है, वो स्फेयर में आपने एक एलिमेंटल स्फेयर मान लिया, आपने एक छोटा स्फेयर मान लिया हॉलो स्फेयर, जिसका रेडियस एक्स है और जिसकी थिकनेस डीएक्स है। देखो यहाँ रेडियस एक्स है और थिकनेस डीएक्स है, ये आपका स्फेयर है, और इस स्फेयर पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, दैट चार्ज इज डी क्यू। ऐसे ना जैसे लाइन पर इंटीग्रेट करते हैं, तो एक स्मॉल एलिमेंट लेते थे डीएक्स, फिर सॉल्व करते थे, ऐसी जब पूरे स्फेयर पर इंटीग्रेट करोगे तो स्मॉल एलिमेंट ऐसा स्फेयर लोगे जिसका रेडियस एक्स है, थिकनेस डीएक्स है, इस पर चार्ज डी क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका वॉल्यूम इज डीवी। वॉल्यूम निकालने का तरीका है एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। हाँ भाई फायका, तुम पूछ रही थी शायद, हुआ ये क्लियर मोटा, हुआ ये तोहिद, वहां हॉलो स्फेयर में तो सिग्मा कांस्टेंट आ गया था पूरे स्फेयर पर, तो इंटीग्रल की जरूरत ही नहीं थी। यहां तो चार्ज हर जगह लाई करेगा ना, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, तो एक्स वेरी करेगा। हॉलो स्फेयर में तो सिर्फ चार्ज यहां लाई कर रहा था, तो एक्स कांस्टेंट था, इसीलिए मैंने इंटीग्रेट नहीं किया था।
dv की वैल्यू रख दीजिए, चलिए इतना लिख लीजिए और बताइए मुझे आंसर क्या आ रहा है। रो ये रहा, डीवी ये रहा। कैसे कट करोगे मोटअप, कैसे कट करना चाह रहे हो होलोस्फेयर को? मतलब कैसे कट कर, कैसे कट करके एनालाइज करोगे? शीट्स में कट करोगे, हेमिस्फेयर में कट करोगे, कैसे कट करना चाहते हो? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, स्केलर क्वांटिटीज नहीं है, वेक्टर क्वांटिटीज है। हर शीट का रेडियस भी वेरी करेगा, वो और कॉम्प्लिकेटेड है। इसे जब तुम शीट्स में कट करोगे तो हर शीट का रेडियस वेरी करेगा, फंस जाओगे। इसे करो, बताओ आंसर। टू में रख दो क्यू की वैल्यू और ई निकाल लो। ओके हाँ जी, तो देखिए जब आप, ज्यादातर लोगों ने तो कर लिया ये रो नॉट 4 पाई एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 हो गया, इंटीग्रल हो जाएगा एक्स टू द पावर 5/5, लिमिट इज 0 to R, तो क्यू आ गया 4 पाई रो नॉट बाय 5, लिमिट रख दोगे तो R टू द पावर 5 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। थ्री को यहां 2 में रख दो, फ्लक्स आ जाएगा, तो फाई आ गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट था 4 पाई आर नॉट आर टू द पावर 5/5 एप्सिलॉन नॉट, इसे फोर्थ कह दो। फोर्थ और फर्स्ट से सेम फ्लक्स आ रहा है, इक्वेट 1 and 4। E into 4 pi r square is 4 pi rho naught r to the power 5/5 epsilon naught. 4 pi से 4 pi गया, E आ गया rho naught r cube by 5 epsilon naught. Doubts बताइए, यहां तक किसी को कोई doubt है? यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों डेंसिटीज आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। मैं ये क्लियर हुआ सबका?